और पाकिस्तान का लग रहे आरोप के बारे में एक्स डीजीपी एमडब्ल्यू अंसारी ने कहा कि किसान ही भारत है, भारत ही किसान है। देखिए खबरें आज भी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत में कोई भी आंदोलन की शुरुआत होती है, उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जैसे अभी हाल ही में किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसे खालिस्तानी तत्व सहयोग कर रहे हैं। इस आंदोलन को पाकिस्तान और चाइना आर्थिक रूप से सहयोग कर रहा है। देखिए ऐसा है कि मैं आपके माध्यम से, पहले तो आपका शुक्रिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कर रहे हैं। पिछले 6 सालों से जब भी कोई डिसेंटिंग वॉइस, अगर आदमी उससे बात से सहमत नहीं है, मुद्दा ये है कि किसान बिल जो आया है, एक्ट जो आया है, ये तीनों काले कानून को वापस ले लीजिए, मामला खत्म हो गया। किसी ने ये कानून तो मांगा नहीं था। आप जो है अपने मनमानी तौर पे ये काम कर रहे हो, कभी भी आप एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कहीं पे भी नहीं कहेंगे, कह रहे हैं कि आप नहीं है उसमें, किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। भाई आप जो है कुछ भी करते हैं, आप दूसरों को बोल ही नहीं देते। अगर वो कोई बात अपनी रखना चाहता है तो आप उसको खालिस्तानी का, भी पंजाब में मराठी, वहाँ पे सिख भाई वहाँ पे किसान के हैं, हरियाणा के जाट हैं, हरियाणा के वो जो है सिख भाई हैं मेजॉरिटी, वो लोग दिखाई दे रहे हैं तो आपने वो खालिस्तानी कह दिया। कहीं पे कोई प्रोग्राम हो, इस तरह का कोई स्टेशन होता है तो आप कहीं टूटे टूटे गन कह देते हैं, और कोई और अपोजिशन पार्टी और होती है तो आप उसको एंटी नेशनल का आप करार देते हैं। तमाम मीडिया तो आपका है, 20 से 22 जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है अंबानी ग्रुप का कब्जा है उस पर, प्रिंट मीडिया को आपने खरीद लिया है। तो आप जो कहना क्या चाहते हैं भाई, देखिए संविधान में, मेरी बात सुनिए, संविधान में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बात कहने देंगे कि नहीं देंगे? आप कहना चाहते हैं क्या? आज मैं आपके माध्यम से बता दूं कि भारत ही किसान है, किसान ही भारत है। आप हर चीज में, भाई जीपिंग आए थे यहाँ पे, चाइना के राष्ट्रपति, आप उनके साथ झूला झूल रहे थे। आप करो पाकिस्तान, पाकिस्तान का खाने का ठिकाना उसके पास तो है नहीं, सुई धागा खरीदने से टमाटर खरीदने से फाइनेंस क्या करेगा? हर चीज में हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान रखे हुए, मंदिर मस्जिद की बात करते हो आप कभी भी। तो जनहित में आपने पिछले 6 साल में आपने ये कहा कि भाई डिमोनेटाइजेशन से ये होगा, जीएसटी से ये हो गया, हमारी जीडीपी कहाँ चली गई। आप उसके साथ साथ आप देखो तो सही कि भाई रोजगार हमारा कहाँ से कहाँ चला गया। आप अब जो पकड़े गए तो जुमलेबाजी हो रही, 15 लाख कहाँ गया? ये इतना बड़ा स्टेशन जो करप्शन के खिलाफ में हुआ था, जिसमें अन्ना हजारे बैठे थे, बाबा रामदेव, आज वो किसानों की आवाज क्यों नहीं बनकर वो सब भर रहे हैं? करप्शन बिल जो है, विजिलेंस एक्ट जो की बात आई थी, क्या उन्होंने चीफ विजिलेंस वहां पर रखा? आपने एक्ट आया नहीं आया? करप्ट तो आप खुद है, आप खुद जाके अंबानी अंबानी ग्रुप के कारपोरेट ग्रुप में गोद में जाके बैठ गए हैं। आप उनकी बात सुनते, किसानों की बात सुन नहीं रहे जी। इस आंदोलन में शहरी नक्सली तत्व है और जेएनयू की टुकड़ी टुकड़ी गैंग, ये सब जो है जुमलेबाजी है। आप जो है जनता का अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए आप कह रहे हैं। इंटेलेक्चुअल जो है, आप योगेंद्र यादव को, संजय सिंह को, विक्रम सिसोदिया को, या जो कृषि के एक्सपर्ट है, जो कृषि के जो है स्वामीनाथन को जो बड़े एक्सपर्ट है, जो कृषि के जानकार है, वो कह रहे हैं कि इसमें नुकसान हो रहा है, इसको नहीं होना चाहिए। अडानी ग्रुप जो है पहले ही एक पास होने से पहले जो है 100 एकड़ लैंड कैसे वहां पे ले लिया, कैसे उसे और बड़े बड़े स्टोरेज बनाना शुरू कर दिया। और आप उस एक्ट में देखेंगे उसमें असीमित, मतलब किसी भी हद तक वो स्टोर कर सकता है। तो आप कुल मिला के ये बात तो तय हो गया कि आपने, उन्होंने आपको फाइनेंस किया है। जैसे यहाँ पे बात होती है कि साहब बीफ बीफ बीफ, आपको बता दूं कि बीफ यहाँ पे इनके राज्य में, इनके इनके टाइम में पिछले 6 साल में जो है बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ा। आप एक तरफ यूपी और बिहार में और ये जो सेंट्रल स्टेट्स है उसमें आप बीफ की मनाही करते हो, आप गोवा में, साउथ इंडिया में, केरला में और स्टेट्स में क्यों नहीं मनाही करते हो? अगर होता है तो उसको आपको फंसा के बंद कर देते हो आप जी। भारत में लाल जो है अपने जो चीज को, अपनी बात को मनवाने के लिए तमाम चीजें ये सब चीज गिराई जा रही है। ये इस तरह का कोई नहीं है। जेएनयू को बदनाम किया आपने, दिल्ली यूनिवर्सिटी को बदनाम किया, जहां से आवाज उठती है आपके खिलाफ में आप उसको बदनाम करते हो जी सर। एंटी राष्ट्रभक्ति नहीं है, राष्ट्रभक्त आपको नारा लगने लगता है। भारत में असहमति तर्क कुतर्क की बात क्यों नहीं की जाती सर? प्रजा यही तो बात करें आपसे जी, प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है सर्वोपरि है।
जनता सर्वप्रिय है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो उसको बात तो कह दीजिए आप। जब भी कोई बात कहता है तो आप उसके खिलाफ लांछन लग जाता है, और ये जब तक ये सरकार रहेगी होता रहेगा। आप बता दूं किसान ही भारत है और भारत ही किसान है, इनकी आवाज को दबाई नहीं जा सकती है। और ये जो चार पांच स्टेट में जैसे कहा जाए कि धाप नहीं दिखाई दे रहा, वहां का भी किसान आंदोलित है लेकिन उनको सप्रेस किया गया, जिसमें कि मध्य प्रदेश है, यूपी है, बिहार है और गुजरात हो रहा है, वहां पे भी किसान कोई भी इनसे बात से सहमत नहीं है, उनमें भी मतलब अंदर अंदर बहुत खलबली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद सर।